सबसे पहले जीमेल खोलना है, उसके बाद यहाँ पर जाना है, यहाँ पर कंपोज पर, जैसे कंपोज पर क्लिक करेगा, उसके बाद यहाँ पर टू में यहाँ पे लिखना है जिसको भेजना है। मान लीजिए हम भेज रहे हैं जो LRC विभाग, LRC रिवेन्यू, सॉरी सॉरी सॉरी, मान लो हम भेज रहे हैं रिवेन्यू, REVE रेवेन्यू बिहार, इसको पूरा लिखना है revenuebihar@gmail.com। तो ये इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट में लिखना है कि नई नियुक्ति के लिए जारी करने के संबंध में, ठीक है। जैसे सबसे पहले लिखना है यहाँ पे विशेष सर्वेक्षण अमीन, VISHESH हिंदी में, VISHESH विशेष सर्वेक्षण अमीन के पद पर नई नियुक्ति जारी करने के संबंध में, ठीक है। उसके बाद कंपोज ईमेल में यहाँ पे आना है और लिखना है सेवा में, सॉरी सेवा में, उसके बाद फिर यहाँ से फिर ऐसे ही यहाँ से करके सेवा में, और लिखना है राजस्व विभाग, ऐसे करके पूरा लिखना है एक बार। उसके बाद जैसे ही पूरा लिखने हो जाता है, उसके बाद यहाँ से कॉपी कर लेना है। जैसे मैं अभी कॉपी किया हूँ, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे दबाऊँगा और यहाँ डायरेक्ट पेस्ट कर दूँगा, ये सारा का सारा मेरा हो जाएगा। और इसको यहाँ से फिर इसको यहाँ से दबा करके डायरेक्ट चला जाएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है, तो इसमें आप और सारा डाल सकते हैं, बहुत सारा जितना मन होगा उसको डाल सकते हैं। इसके नीचे ऐसे करेंगे और ऐसे यहाँ पे और लिखते चल जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे हम CM बिहार को भेजना है, तो CM बिहार CMBihar@NIC.in है ना, इस पर क्लिक करेंगे। इसी तरह से हम और जोड़ते चल जाएंगे, जितना हमको भेजने का मन होगा उतना, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में इसको क्लिक कर देंगे, ये चला गया मैसेज। थैंक यू।